मेरी पोएट्री स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही है एज यूजुअल। तो इसका टाइटल है वो नजर आता है। कैसे बताऊं वो नजर आता है, कैसे बताऊं वो नजर आता है, उसके आसपास होने का एहसास हर ओर नजर आता है। बंधनों के दायरे के बाहर की दुनिया में, खुले आसमां में, असीम सागर की गहराइयों में, बंधनों के दायरे के बाहर की दुनिया में, खुले आसमां में, असीम सागर की गहराइयों में, फूलों में, कांटों में, सुंदर वादियों में, रेगिस्तान में, बस प्रेम में डूबा वो अपरंपार नजर आता है। उसके आसपास होने का एहसास हर ओर नजर आता है। पर्दे के पीछे इंतजार में बैठा हुआ, हमारे उसकी ओर ध्यान की उम्मीद में बैठा हुआ, पर्दे के पीछे इंतजार में बैठा हुआ, हमारे उसकी ओर ध्यान की उम्मीद में बैठा हुआ, पाप क्रोध मोह लोभ की चादर के पीछे बैठा हुआ, प्रेम और दया को अपने पहलू में समेटा हुआ, हमें अपनी शरण में लेने के लिए बेकरार नजर आता है। उसके आसपास होने का एहसास हर ओर नजर आता है। सरल कोमल निर्मल निर्भीक मेरा साईं, चांदी सोने हीरे सा बेशकीमती मेरा साईं। सरल कोमल निर्मल निर्भीक मेरा साईं, चांदी सोने हीरे सा बेशकीमती मेरा साईं। मेरा वजूद मेरा गुरु मेरा एतबार मेरा साईं, रोम रोम में प्रकृति के हर छोर में समाया मेरा साईं। उसका निशान बेशुमार नजर आता है, उसके आसपास होने का एहसास हर ओर नजर आता है। थैंक यू। वाह, बहुत बहुत खूब अच्छा। नीलू जी, वेलकम बैक आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम विद सिमिलर पोएट्री एज यू ऑलवेज नरेट स्पिरिचुअल पोएट्री. मतलब यू टेक अस टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. बहुत अच्छा लगा. संगीता जी, आप इसको ऑफ कर दीजिए ओरिजिनल सॉन्ग, जी, तो आपको नीलू जी की कविता कैसी लगी? बहुत ही अच्छा। मतलब स्पिरिचुअल है ना, बेसिकली भगवान की जो अपने आसपास होने की एक, मतलब क्या बोलते हैं उनको फीलिंग. हिंदी, यस फीलिंग। यस हाँ, हाँ, एक ये मतलब उसका एहसास एक एहसास. होता है बेसिकली, तो वही इस पोएट्री में आप बोलना चाहते हैं। मतलब मैं जितना समझी हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जितना समझी हूँ कि मतलब वही आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। तो बहुत गहराई है वो पोएट्री में, इतना ही कह थैंक सकती हूँ। यू जी. दिव्या जी, बहुत अच्छा नीलू जी, और कितनी सिंपलिसिटी से आपने एक्सप्लेन कर दिया है कि भगवान को पास पाने का एहसास कैसा होता है। अगर मुझे कोई कहे तो मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाती कभी, बट आपके शब्दों में जब ये सुना तो अब मुझे एहसास हुआ कि ये चीज़ आप ठीक कह रहे हो कि उनका एहसास हमें कैसे कैसे मिलता है। बहुत ही अच्छा, बहुत एहसास दिला दिया आपने कि उसके पास थैंक होने का एहसास कैसा होता है। बहुत अच्छा है यू दिव्य जी। मनीष जी. नीलू जी, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आपकी कविता में जो एक भाव था वो काफी लोगों को समझना चाहिए, कि जो मानते हैं कि ईश्वर को जानते हैं और वो उसको जो है महसूस कर सकते हैं, पर एक्चुअली उन लोगों को पता नहीं होता कि उनको महसूस एक्चुअली करना कैसे होता है. वो कहाँ कहाँ उनको अपनी झलक दिखला जाता है, जबकि वो सब सिर्फ मंदिरों में और उन्हीं जगह पे ढूंढते रहते हैं उनको. तो वो हर जगह है, आपको बस आंख बंद करके उसको महसूस करने की जरूरत है. और यही आपकी कविता का भाव मुझे मिला, और ये बहुत बढ़िया था, आपने बहुत अच्छे तरीके से सुनाया. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू मनीष। रहीदा नीलू जी, ध्यान हमारा आपने भगवान की तरफ प्रेरित कर दिया कि हमें भी मतलब थोड़ा सा गॉड फियरिंग रहना चाहिए और उन्हीं के हिसाब से ही काम करना चाहिए जैसे होना चाहिए काम। बहुत अच्छा लगा आपकी, और बहुत अच्छे वे में गाया बताया आपने। थैंक थैंक यू रेजा जी, थैंक यू। यू. लता, आर यू देयर?
चलिए, यस थैंक यू आशीष यस आई एम जी। देयर आई एम देयर। मैंने सुनी आपकी पूरी पूरी पोएट्री, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही स्पिरिचुअलिटी मुझे भी फील हो रही थी। वो कन कन साइन जैसे जैसे जितनी एनालॉजीज दी है वो बहुत बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही देयर वाज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन द वे यू वर नरेटिंग आल्सो। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत थैंक यू अच्छा रिजा। लग रहा है मुझे। एंड इट्स वेरी फाइन, बहुत देर तो नहीं हुआ है मुझे आके, बट इट्स स्टिल गिविंग मी दैट नॉस्टैल्जिक फीलिंग कमिंग टू द सेशन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपको सुन के, राजू जी को सुन के, तो इंद्र जी को सुन सुनूंगी तो फिर से वही फीलिंग आएगी। थैंक तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। यू कंग्रेचुलेशंस थैंक टू यू एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच नीलू जी। थैंक यू राजेश जी।